दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पीएम किसान योजना का जो किस्त मिलने वाला था ना, अगला किस्त, वो 2000 रुपए का किस्त मिल चुका है दोस्तों। आज यानी कि 27 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये पैसा को रिलीज किया गया है। करीब 8.5 करोड़ किसान भाइयों के खाते में सीधे बैंक में पैसा भेजा गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक पैसा मिला नहीं है, उनको डाउट है कि मुझे पैसा कब मिलेगा, और उनको ये जानना है कि उनको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों के अकाउंट में पैसा मिल चुका है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, शो हो रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से शेयर किया अपना स्क्रीनशॉट जब उनको मैसेज मिला कि 2000 रुपए आपको क्रेडिट हुआ है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों 12 बजे ये पैसा रिलीज किया गया है, और 12 बजे के बाद ही तुरंत बहुत सारे मैसेज आ चुके थे मेरे पास दोस्तों, जिसमें कि बताया गया था कि उनको ऑलरेडी पैसा मिल चुका है। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि जिन किसान भाइयों को अभी तक पैसा नहीं मिला, क्या उनको पैसा नहीं मिलेगा या फिर उनको मिलेगा, क्या करना होगा, कुछ करना होगा, नहीं करना होगा, आज की इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आप इसलिए के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि 8.5 करोड़ किसान भाइयों के खाते में 2000 रुपए भेजा गया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि पीएम किसान का जो पोर्टल है, वहां पे रजिस्टर जो किया है किसानों ने, वो करीब करीब 11 करोड़ से भी ज्यादा किसानों ने किया, लेकिन पैसा इस बार दिया गया दोस्तों 8.5 करोड़ लोगों को ही, यानी कि 8.5 करोड़ किसान भाइयों को ही पैसा भेजा गया है। इसलिए यहां से ये पता चलता है कि कुछ लोगों को यहां से पैसा नहीं भेजा गया है, कुछ लोगों को इस लिस्ट से निकाला गया है दोस्तों। क्यों निकाला गया, आगे वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि मुझे पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बहुत सारे किसानों को ये पैसा मिल चुका है, स्क्रीनशॉट आपके सामने है। 2000 रुपए का किस्त जो है वो 12 बजे के बाद इनको भेजा गया, क्योंकि जो पीएम के द्वारा ये जो पैसा रिलीज किया गया ना, वो 12 बजे ही किया गया। तो जैसे ही ये पैसा रिलीज किया गया, तो बहुत सारे किसान भाइयों को ऑलरेडी ये पैसा मिल चुका है और अभी मिल ही रहा है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि मुझे पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को आ जाना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, आप सभी लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप सभी लोगों को नो योर स्टेटस पे क्लिक करना है दोस्तों। नो योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और कैप्चा फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे दोस्तों। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा। ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया जाता है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं, समझ के वीडियो देख के समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मैं दे देता हूँ, वहाँ से पता कर लीजिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आना है, ठीक है, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, कैप्चा फिल करना है, लॉगिन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपके सामने आएगा कि आपका ईकेवाईसी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आपका एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, आपका आधार कार्ड से बैंक लिंक है या फिर नहीं है, ये सब यहाँ पे शो होता है। इसके नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को इंस्टॉलमेंट्स का भी डिटेल देखने को मिलता है। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट का भी यहाँ पे आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों, पहले जो आज के पहले, यानी कि दोस्तों जब तक 13वां किस्त यहाँ पे शो हो रहा था, लेकिन आज जो 27 जुलाई है दोस्तों, यहाँ पे पैसा भेजा गया है, तो यहाँ पे 14वां किस्त भी शो कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो 14th इंस्टॉलमेंट भी शो करेगा, और यहाँ पे दोस्तों 14th इंस्टॉलमेंट में ये FTO प्रोसेस्ड यस जो लिखा है, ये होना चाहिए। जिन भी किसान भाइयों का सेक्शन में ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, स्टेटस में ये देखने को मिल रहा है कि 14, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 14 सेलेक्ट होना चाहिए और FTO प्रोसेस्ड में यस होना चाहिए। अगर यहाँ पे रेड मार्क में नो लिखा है दोस्तों, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि 14 किस्त यहाँ पे शो होना चाहिए और FTO प्रोसेस्ड में अगर यस है, तो डेफिनेटली पैसा मिलेगा। अब आपका ये सवाल होगा कि ये डिटेल यहाँ फिल क्यों नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी इनके खाते में पैसा आया नहीं है, बस मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे दोस्तों ये ब्लैंक दिख रहा है। जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उसका एक UTR नंबर आता है, यानी कि ट्रांजेक्शन नंबर आता है, वो यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद कौन सा बैंक नाम है वो बताया जाएगा, अकाउंट में किस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो बताया जाएगा, उसका डेट दिया जाएगा, तो ये पेज यहाँ पे खाली है। लेकिन दोस्तों, आपका FTO जो है वो प्रोसेस्ड यस है, यानी कि आपका फंड जो है दोस्तों वो ट्रांसफर हो चुका है, बस आपका बैंक में घुसा नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान से चेक करना है कि 14 इंस्टॉलमेंट में FTO यस है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, अभी अभी जो तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोस्तों यहाँ पे FTO यस होना चाहिए तो आपको डेफिनेटली पैसा मिल जाएगा। अगर नो है दोस्तों, तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपका नो है, तो मैं आप लोगों के बारे में भी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि पैसा 27 जुलाई को बहुत सारे किसान भाइयों को ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आपको मिल चुका है दोस्तों, तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज हमेशा बनाता रहता हूँ। थैंक यू।